अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज मैं नए डिज़ाइन के साथ हाज़िर हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इतना टाइम नहीं लूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी। तो मैं तीन, ये पहले मैंने तीन पैटर्न बनाए हुए हैं, इसी तरह के मैं दो और एक या दो पैटर्न बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ ख़त्म किया था धागा, जहाँ ये स्टिचेस हैं। तो यहाँ एक स्टिचेस बना हुआ है, तो मैं इस तरह यहाँ धागे को सिर्फ इस तरह करूँगी। तो फिर बीड, ये मैं चार नंबर का मोती जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको इस तरह यहाँ, फिर थोड़ा ही यहाँ पे हम जितना के ये मोती फिट आ जाए। ये थोड़ा सा कपड़ा जो है सख्त है तो मुश्किल पेश आती है, तो मैं यहाँ वापस वहाँ टच करूँगी इसको इस तरह करके। तो मैं जो वीडियो है अपने फ़ोन से बना रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं साथ में वो भी उसका भी ख्याल रखती हूँ, तो यहाँ पे ये भी मुझे साथ साथ में करना पड़ता है। तो इस तरह ये आप पीछे से इधर से अगर सुई डालो तो बेहतर होता है। अब यहाँ मैं इस तरह करूँगी तीन धागों को, फिर मैंने 10 इसके ऊपर प्लसियाँ बनानी हैं, एक क्योंकि मैंने 5 इसके ऊपर पैटर्न बनाने हैं, 5 पैटर्न्स। तो तीन, चार। व्यूअर्स ख्याल रहे कि जब ये प्लसियाँ डाल रहे होते हैं धागे को इस तरफ होना चाहिए, इस तरह सुई धागे के अंदर से आती है। इतनी होगी, एक दो तीन चार पाँच छः होगी, सात, ये 10। 10 जब इसके ऊपर वाले जो पैटर्न ये हैं ये जब बनाएंगे तो हम एक, ये जो एक स्टिचेस को हम मिस किया करेंगे तब ये, इसलिए ये 10 बनाए हैं। अब मैं ये इस तरफ धागे को करूँगी, यहाँ पे मैं इसको टच करूँगी, तो नेक्स्ट और एक बनाऊँगी इस तरह, एक स्टिचेस, एक स्टिच यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो फिर मैं इसके, इसको भी मैं मोती आप डालूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और आपको अच्छी तरह दिख भी रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको टच कर रही हूँ इस तरह, वापस यहाँ पे जो मैंने स्टिचेस बनाया था यहाँ पे इसको इस तरह करूँगी, एक स्टिचेस यहाँ पे बनाकर थोड़ा सा इस धागे को ढीला रखें।